हमारे लिए बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट होता है जिसका हम पूरा साल वेट करते हैं। आज से शुरू हो रही है जन्माष्टमी, तो आज है अधिवास दिवस जिसमें हम ठाकुर जी के आने की तैयारी करेंगे। कल होगा जन्माष्टमी का मेन डे जब ठाकुर जी प्रकट होंगे और परसों होगा नंदोत्सव। तो आज शुरुआत तो हो ही चुकी है, घर से सारा मंदिर डेकोरेट हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। इतना सुंदर तरीके से डेकोरेशन हो चुका है और हॉल में पूरी तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग घर में, इतना धमाल हो रहा है, दो तीन दिन से तो हम सो भी नहीं रहे, हमारी तो ऐसी थकावट हो गई है कि क्या ही बताऊं। लेकिन आज का जो एक्साइटमेंट है वो उससे ज़्यादा डबल है। तो शाम को हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे हॉल में, वहाँ पर आपको सारा प्रोग्राम बताएंगे। और जो जो नहीं आ पा रहे हैं इस ब्लॉग के थ्रू, ठाकुर जी के अभिषेक के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। कल छप्पन भोग होगा, ढेर सारी मस्ती होगी, कीर्तन होगा, कथा होगी, गुरु महाराज जी आए हैं और आप लोग भी आइए और जन्माष्टमी का आनंद उठाइए। हरे हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप देख रहे हो अब हम पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं और अभी हम जाने वाले हैं हॉल में, सिटको हॉल इन नेहरू। तो अभी ठाकुर जी भी बस रेडी हैं चलने के लिए, फिर हम वहां पर जाकर के खूब सारा कीर्तन, खूब सारी मस्ती और ढेर सारा आनंद होगा। चलो लेट्स गो। Krishna, 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 Krish
Thank you.
अब आप देखो हमारे प्यारे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लगभग हर साल उस समय के जो छोटे बच्चे हैं, कोई ना कोई स्तुति तो जरूर करते ही। अब आप छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर देखा, कैसे जैसे संस्कार देते हैं ऐसे बच्चे बन जाते हैं, इस चीज को समझना होगा। इसीलिए वास्तविकता में ये किसके लिए है, हमारे अपने लिए है। आपको अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना होगा वो बता रहे, चेतो दर्पणम मार्जनम। सबसे पहले अपने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो। अक्सर लोग बोलते मेरा मन बहुत साफ है जी, ये सेल्फ सर्टिफाइड करना उस जगत में नहीं चलता, यहां चलेगा। यहां बोल सकते मैं ठीक हूं, लेकिन वो जगत अलग है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया, आगे कम जिनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आप बाहर से ले सकते हैं, लेकिन प्रयास यही करें कि अपनी एनर्जी लगाएं, खुद से ही स्वयं भगवान के लिए कुछ भोग वगैरह बनाएं। देखिए एक बात स्मरण रहे, एक बात स्मरण रहे, जरूरत हो थोड़ा बहुत बाहर से ला सकते हैं, ऐसे बोला। पहली बात खुद बनाना, हर कोई ऐसा नहीं है कि सारे बाहर जाके खाते, घर में कुछ ना कुछ बनाते हैं। जो लोग मांस मछली वगैरह घर में खाते हैं, I'm not afraid of the dark.
नाम को सुनते प्रभु आते हैं, तो नाम लोगे तो प्रभु अवश्य आपके जीवन में। यही है